बबलू डब्लू पार्क में एक हस्तकला का शो होने वाला है। आइए देखें बच्चे क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये अच्छा भी नहीं दिख रहा है। मंगू, मेरा भी अच्छा नहीं दिख रहा है। लल्लू, वापस आओ, हमें भी देखने दो। लल्लू, हमें भी वो मिट्टी की चीज देखने दो। मैं नहीं दूंगा। अगर मैंने तुम्हें दिया तो तुम इसे तोड़ दोगे। लल्लू, बताओ ना। ठीक है, पर थोड़ा ध्यान से चिंटू। लल्लू, ये बहुत बढ़िया है। मुझे बता दो। ध्यान से। क्या मैं इसे देखूं? ये तो गजब का है। बड़े, मुझे भी देखने दो। ठीक है। लल्लू, ये बहुत अच्छा है। ये लो। मिस्टर बंता ने ये बनाया है। अभी मेरा है। मिस्टर बंता बहुत माहिर है। वो मुझे भी बनाना सिखाएंगे, मुझे यकीन है। मैं भी सीखूंगा मूर्तियाँ बनाना। ये बनाना इतना आसान नहीं। तुम्हारे लिए इसको सीखना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, हम मन लगा के सीखेंगे तो सीख जाएंगे, है ना चिंटू? हाँ, हमारी मिट्टी की बनी मूर्तियाँ देखकर लोग चकित हो जाएंगे। मिस्टर बंता। अरे चिंटू, मंगू, अंदर आओ। मिस्टर बंता, क्या आप हमें मूर्तियाँ बनाना सिखाएंगे? मंगू। हाँ, क्या आप हमें मूर्तियाँ बनाना सिखाएंगे प्लीज? कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को सिखा दूंगा। ये कोई खास बात नहीं है। जब भी तुम्हें कोई सवाल पूछना हो, मेरे पास आओ बच्चों। मिस्टर बंता, हम अपनी मूर्तियाँ क्राफ्ट शो में डालने वाले हैं, क्या आप आएंगे? हाँ हाँ, ये तो बढ़िया है। चिंटू, चलो मिट्टी इकट्ठा करते हैं, हम आज ही मूर्ति पूरा करेंगे। चिंटू, तुम क्या कर रहे हो? मैं इस मिट्टी को मूर्ति बनाने के लिए लेना चाहता हूँ। चिंटू, हम ये मिट्टी नहीं इस्तेमाल कर सकते। मिस्टर बंता ने बताया था, कम रेत और कम चट्टानों वाली मिट्टी चाहिए। वो तो बहुत दूर है, हमें यहाँ से मिल रही है ना। बस हमें यहाँ से जमा करना है और हमारा काम हो गया। खैर, मैं अपनी मिट्टी खुद ही लेने जा रहा हूँ। उसमें तो काफी वक्त लग जाएगा तुम्हारे जाने तक। अरे हाँ, गया। चिंटू, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। मेरी मिट्टी तो सूखने आई है। वाह, तुम बहुत होशियार हो। तो मैं हूँ। मंगू, यहाँ देखो, क्या मुझे मेरी मूर्ति ऐसी बनानी चाहिए? दरअसल बताओ भी, तुम्हारी राय क्या है? अच्छा लग रहा है। और ये कैसा रहेगा? बताओ, कौन सी अच्छी रहेगी? मुझे दोनों अच्छे लगे। तुम क्या बनाने वाले हो? मैं एक गाजर बनाऊंगा। ओह, मुझे पता है, मैं आपकी एक विशाल मूर्ति बनाऊंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, उसमें काफी वक्त निकल जाता है। ये देखो, ये मिट्टी मूर्तियाँ बनाने के लिए तैयार है। परेशान मत हो, सब ठीक रहेगा। ठीक है। ये मंगू। तुम्हारे चेहरे पे तो मिट्टियाँ लगी है। या। गुदगुदी हो रही है। मैंने तुम्हारे चेहरे की मिट्टी हटाई। शुक्रिया चिंटू। कोई बात नहीं। हाँ? मेरा चेहरा। चिंटू। मांगो, ये देखो। हाँ? चिंटू, तुम बहुत तेज हो। वो तो मैं हूँ ही। हाँ, मैं भी जल्दी से बनाता हूँ। ये लगभग हो चुकी है। टाटा। ये देखो मेरी कलाकारी। हाँ? चिंटू, तुम्हारी मूर्ति चिकनी नहीं है और ये बहुत नरम भी है। तुम्हारी मूर्ति बराबर नहीं है। रहने दो, मेरे ख्याल से ये एकदम परफेक्ट है। परेशान ना हो। बढ़िया। मंगू, अब तुम क्या बोलते हो? ये बहुत अच्छा है, तुम्हारे जैसा दिख रहा है। इसलिए तो बनाई है। चिंटू, तुम अपनी मूर्ति ढककर छांव में संभाल कर रख दो। शो खेल के मैदान में है, इसे वहाँ तक ले जाना बहुत कठिन होगा। एक तरकीब सूझी। हो गया। मंगू, क्या तुमने तैयार कर लिया? बस होने वाला है। मंगू, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। वहाँ पर अगर शो शुरू हो गया तो? पर काम और बाकी है। ठीक है, तो मैं पहले चला जाता हूँ। इसे जल्दी बनाओ और जल्दी से आ जाना, ठीक है ना? ये हो गया। अब मैं इसे छांव में रख देता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने लालटेन बनाई है। बहुत बढ़िया। क्या मैं देख सकता हूँ? वाह, कितना सुंदर है। देखो मैंने क्या बनाया, एक दिल के जैसा बैग। बहुत बढ़िया बड़े। इसमें बहुत सारे खिलौने आ सकते हैं, लेकिन मेरा सबसे अच्छा है। अब मैं अपना आविष्कार दिखाता हूँ। ये क्या है? पलक मत झपकाओ, जरा मेरा जादू तो देखो। ये बहुत अच्छा है। मैंने बनाया है पेंसिल बॉक्स। देखो इसमें क्या है। बहुत बढ़िया लल्लू। और मंगू, तुमने क्या बनाया है? ये एक मिट्टी की मूर्ति है। अच्छी है ना? मुझे ठीक ही लग रहा है ये। मंगू, बहुत अच्छा काम किया तुमने। मुझे भी देखने दो। बहुत बढ़िया। बच्चों, तुम सबकी तैयारी कैसी चल रही है? देखो, ये मंगू ने बनाया है। क्या ये अच्छा नहीं है? हाँ, ये अच्छा है। अब तुम सब भी दिखाओ। ठीक है। मंगू, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, मेरे साथ यहाँ आओ। क्या मिट्टी का पुतला है। ये सबसे बेहतरीन होगा। वाह! विक्की, तुम्हारा मिट्टी का आकार तो बहुत बड़ा दिख रहा है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। चलो। चिंटू, तुम्हारी मूर्ति बहुत विशाल है। जरा इस तरफ ध्यान से देखो, इसमें तो दरारें हैं। मैं अभी बना देता हूँ। देखो, अब ये ठीक है ना? ये कैसे हो गया? चिंटू, दुखी मत हो बच्चे। मेरी मूर्ति। चिंटू, जैसा मैंने सिखाया था तुमने वैसा ही बनाया ना? मैंने तो किया था, मगर उसमें से एक दो स्टेप नहीं की। चिंटू, एक एक कदम महत्वपूर्ण होता है। देखो, मिट्टी से पानी नहीं निकालोगे तो वो कमजोर रहेगी, और हम मिट्टी को धूप में भी नहीं छोड़ सकते, वरना दरार पड़ जाएगी। लगता है तुमने इन बातों का ध्यान नहीं रखा। मिस्टर अंता, अगली बार से मुझसे गलती नहीं होगी। याद रखो, किसी भी काम को सही तरीके से करना चाहिए। अगली बार से मैं सब परफेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। शुक्रिया मंगू। कोई बात नहीं। मिस्टर बंदा, मुझे भी एक बनाना है, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? मुझे भी? प्लीज हमें सिखाओ। हम सीखना चाहते हैं। प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन आलसी मत बनना, समझ गए? हाँ। हाय दोस्तों, हमेशा जैसा सिखाया जाए वैसा ही करें और उस काम में पूरी कोशिश करें। इस तरह आपका काम अच्छी तरह होगा। ये हमेशा याद रखना। फिर मिलते हैं, बाय।